सोनीपत नगर निगम का करीब 500 उपभोक्ताओं पर 5 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निगम ने 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करवाने पर इन उपभोक्ताओं को जहां 10% रियायत का ऐलान किया है, वहीं इस अवधि में रकम नहीं जमा कराने वालों पर कठोर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप सोनीपत नगर निगम के बाशिंदे हैं और आप पर प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी है तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, नगर निगम सोनीपत ने 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर कुल रकम का 10% छूट की स्कीम शुरू की है, लेकिन इस अवधि के बाद निगम बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कर रहा है। देखो, अभी हमारे द्वारा जो रिकवरी की बात है वो 10,70,00,000 रुपए तो प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी की जा चुकी है, और जो NDC है उसके थ्रू भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, यानी कि हम पिछले साल से बेहतर स्थिति में हैं। और हमारा यही लोगों से एक हम अपील भी करते हैं कि जो 31 मार्च तक जो छूट दी गई है सरकार के द्वारा, तो उसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और छूट का फायदा उठाएं। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में रहने वाले करीब 500 लोगों पर निगम का करीब 5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। 31 मार्च के बाद निगम टैक्स जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ क्या करेगा, ये भी सुन लें। देखो, नगर निगम के द्वारा जो जितने भी डिफॉल्टर्स हैं उनके सभी को एक बार नोटिस दिया जा चुका है। अब हमने टीमें गठित की है रिकवरी के लिए, 4 टीमों का गठन किया गया है। वैसे तो वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले हर साल ही निगम टैक्स में रियायत कर वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए अभियान चलाता है, मगर देखना होगा कि इस बार लुभावनी योजना से कितने बकायेदार इस स्कीम का फायदा उठाते हैं और निगम को उसका बकाया मिल जाता है। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।